मॉर्निंग स्टूडेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन से रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड ए नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिफर बाय टू देन फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। इस प्रॉब्लम की सबसे पहली लाइन देखते हैं। हमने सबसे पहली लाइन में पढ़ा कि द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 6। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग यूनिट डिजिट को कितना मान लिए, यूनिट डिजिट को हमने मान लिया x। टेंथ डिजिट हमारी क्या बनी, टेंथ डिजिट हमारी बनी y। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, हमेशा टेंथ वाले को टेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर 56 लगा है तो 56 कैसे आएगा, 56 हमारा आएगा 5 इंटू 10 प्लस 6, यानी टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को हमने उसमें ऐड कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर टेंथ डिजिट कितना है, वाई। तो इसको अगर हम नंबर हमें लिखना हो तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो नंबर हमारा बनेगा 10y प्लस x, और इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो पहला नंबर ये हो जाएगा, और रिवर्स करने पे जो दूसरा नंबर बनेगा वो हमारा हो जाएगा, अब जब डिजिट को रिवर्स करें तो ये हो गया 10x प्लस y। तो रिवर्स करने पे हमारा ये नंबर होगा। तो पहले में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, दोनों का सम कितना है 66। तो हमारा जो केस फर्स्ट था वो हमारा बन गया, वो हमारा बनेगा 10y प्लस x, ये पहला नंबर था, और दूसरा नंबर हमारा 10x प्लस y था। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 66। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन हमारी हो गई x प्लस y इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब सेकेंड में क्या दे रखा है, सेकेंड में दे रखा है इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय टू। अब देखिए, अब यहां पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिट्स का डिफरेंस टू है, डिजिट्स का डिफरेंस टू है, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि पहली डिजिट में से दूसरी डिजिट का अंतर दो है या दूसरी डिजिट से पहली डिजिट का अंतर दो है। अब हमारे आगे प्रॉब्लम आ गई, तो हम इसमें दो केस लेंगे। जो पहला केस लेंगे उसमें इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 बनेगी, और दूसरे केस में y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे और इसको सॉरी इसको सेकेंड मान लेंगे और इसको थर्ड मान लेंगे। ये हमारा केस 2 हो जाएगा, यानी केस फर्स्ट में तो एक ही इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, लेकिन केस 2 में हमारे दो सवाल हो गए। पहला हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और दूसरा हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो इसको सही से भी लिख सकते हैं, तो अगर इसको हम सही से लिखना चाहें तो इसको हम x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिख लेंगे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, इससे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो अब ये जो सवाल है ये दो पार्ट में आया। पहला पार्ट हमारा हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको लेके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब आप सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 इस केस में। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ और केस बनेगा, तब x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमारे दो आंसर बनेंगे। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो सच नंबर्स आर देयर 2, यानी पहले केस में हमारी यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट हमारा x है और टेंथ डिजिट y है, तो यानी दोनों के डिजिट का रिवर्स करके जोड़ के देखिए 66 आ जाएगा, और दोनों के डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। तो ऐसे सवालों में हमारा हाउ मेनी आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।